इज अप गाइस, योर प्रोफेशनल डेजर्ट में सवारी करने वाला इज बैक विद बॉब द हगू एंड चॉप। न्यूक्लियर, तुम कुछ भूल रही हो? सही बोला, ये टाइम वाले करके मैं बोलना भूल गया। हिंट देता हूँ, लास्ट रेस। अब पुरानी बातों को कौन याद रखेगा, और जैसे कि मैं बोलता हूँ पुरानी बातें भूल जाइए, ये झूले में जाके झूल जाइए। मेरे को पता था ऐसे कुछ करेगा। क्या कैसे करेगा, मैं जैसा हूँ वैसे ही तो हूँ, है ना गाइस। देखो न्यूक्लियस भी यस करके कमेंट कर रहे हैं, और एक बंदा बिग फैन करके कमेंट कर रहा है, थैंक यू ब्रो। बहुत एक्टिंग हो गई। क्या एक्टिंग, तेरे को लगता है कि मेरे को एक्टिंग आती है? धक्का मत दे। बाबा जी अलार्म लगा के उठा था। अरे ब्रो सॉरी यार, मैं भूल गया था तेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बॉब द हग। नहीं आज हमारा बर्थडे नहीं है, तुम लास्ट रेस हार गई थी और प्रॉमिस करा था कि बॉब को कुछ नहीं भूलोगी आज। ऐसा है क्या यार, मेरे को लगा तुम लोग भूल जाओगे उसके बारे में। देखा मैंने बोला था ना, नाटक कर रहा था इतनी देर से। नाटक नहीं कर रहा था ब्रो, सच्ची मुच्ची कुच्ची पुच्ची। तो स्टार्ट हो जाओ। हाँ स्टार्ट ही तो है, इतनी देर से गाड़ी चला रहा हूँ, इतना भी नहीं पता। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मेरी तारीफ कर। ये डील थोड़ी हुई थी, मैंने बोला कुछ नहीं बोलूंगा, ये थोड़ी बोला था कि तारीफ करूंगा। बॉब वैसे पॉइंट तो है। तो क्या, स्टार्टिंग के एक मिनट में इसने बॉब दी अग्गू बोला। न्यूक्लियर तुम पकड़े गए। मैं न्यूक्लियर नहीं हूँ, कोई और हूँ, मेरा नाम है बिंचेस। उसकी आवाज डिफरेंट है और वो 5 साल का है, बहुत छोटा है देर से। मेरी हाइट रातों रात अचानक से बढ़ गई, और आवाज तो ये देखो मेरी आवाज अभी भी सेम है, बस आवाज चेंज करके बात कर रहा हूँ। चीटिंग करता है चीटिंग। क्या चीटिंग, कुछ चीटिंग नहीं कर रहा, तूने पहले मेरे को धक्का मार के नीचे गिरा दिया था, नहीं तो हो जाता गाड़ी सी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तूने बोला तो कुछ नहीं बोलेगा और फिर बॉब दी अग्गू बोल दिया। अच्छा वो क्या यार, गलती से मुँह से निकल गया था, माफ कर दीजिए। बॉब एक काम करती है, पेनल्टी के लिए न्यूक्लियर आज तुम्हारी तारीफ भी करेगा। ये तो बढ़िया आइडिया है। तारीफ करने की क्या जरूरत, मैं कुछ नहीं बोलूंगा प्रॉमिस। अब तो नहीं बच सकता, वैसे भी एक रेस के लिए तो है। क्या एक रेस, अब ये रेस हमेशा मेरे नाइटमेयर में आएगा। ठीक है स्टार्ट हो जा, आज तो मेरे को मोटिवेट करेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा। पुरानी बातों को भूल जाओ ना, जॉब ही करना पड़ेगा क्या, तुमने प्रॉमिस करा था। ठीक है गाइस, तू एज अ प्रोफेशनल प्रॉमिसर मैं अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ता। और ये क्या है, इतने छोटे से गैप से कैसे कर रहा हूँ? बढ़िया है, वैसे इसके लग भी इसके साथ नहीं है। दिन ऑलरेडी खराब चल रहा है, बॉब की तारीफ करनी पड़ रही है, अब खराब इंटू टू हो गया। मेरे लिए तो मजेदार इंटू टू हो गया। अच्छे बच्चे मजेदार हो गया, अभी बताओ क्या क्या था वो? मेरा मतलब बॉब, मेरे दिन से मेरे को क्या मतलब, तेरा दिन अच्छा जा रहा है ना, मैं खुश हूँ, है ना गाइस। मेरा प्यारा पेट खुश है, उससे ज्यादा मेरे को क्या ही खुशी मिल सकती है। थैंक यू वाले पॉ करने वाले ऑ कर रही है। मेरी गाड़ी पॉ कर रही है, अरे क्या बेकार गाड़ी है, सही से मुड़ती नहीं है। सही बोला, स्टीयरिंग व्हील मोड़ तो रहा हूँ लेकिन 10 दिन बाद मुड़ रही है। टीटू भैया से रिपेयर करवाना होगा। यस टीटू भैया ओपी, 5 मिनट में ठीक कर देंगे वो। और ये क्या हो गया ब्रो, वाओ ये तो बड़ा कमाल का है। रुको गाइस वापस से करना पड़ेगा ये तो। ये है क्यों नहीं उड़े, आउच गोली कैसे चला रहा है यार। एटलीस्ट ये तो करने दो, बातों के लिए एग्रीमेंट हुआ था, गोली तो चलाने दो कम से कम। तो नहीं ना को इल्ला। गाइस मैं इतना अच्छा एलियन मंकी हूँ, मैंने क्या गलत करा जो मेरे को ये करना पड़ रहा है। तुम लास्ट रेस में हार गए। अब गाइस अगर आप लोगों ने वो वाला रेस नहीं देखा तो कोई नहीं, इस वीडियो के बाद देख लेना। वैसे भी मेरी गलती नहीं थी, उसमें भी किस्मत खराब चल रही थी, ये देखो आज भी चल रही है। पुरानी बातें भूल जाइए, झूला पकड़ के झूल जाइए। टेक्निकल डिफिकल्टी यार, मेरा माउस थोड़े दिन से खराब चल रहा है, अपने आप क्लिक हो गया, मेरी गलती नहीं थी। अच्छा हुआ कभी भी अपने आप को प्रोफेशनल गुरुजी नहीं बोला, नहीं तो अभी माउस ठीक करवाता देर से। मेरे पे क्यों शक कर रहा है यार, मैं तेरे को कैसे मार सकता हूँ, कभी भी मार है के बारे तेरे को पता। ये क्या बात है, ये मस्त रो रहा है। थैंक यू ब्रो, मेरा मतलब गलत बात है गाइस यार, लास्ट रेस फेयर नहीं था, मेरे को जीतना था उस रेस में। ये मस्त स्टंट है यार, रुको एक और बार मारती है। मालिक जल्दी आइए ना। अरे नहीं आप जाइए ना आगे, क्यों मेरे लिए वेट कर रही हो, अगर कम इंट्रैक्शन होगा तो ज्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी आपसे। तभी तो ऐसा दिन हर रोज नहीं आता, पूरा यूज करूंगा मैं तो। गुड डिसीजन बॉब। क्या गुड डिसीजन, जाके जीतू ना रेस, एंजॉय करो यार। मैं आराम से आता हूँ ना, और वैसे भी मैं आऊँ या ना आऊँ क्या ही फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, तारीफ नहीं सुन पाऊंगा मैं, तो दूर से तारीफ कर दूंगा ना। नहीं मेरे को तो पास ही सुनना है, मैं वेट कर रहा हूँ दिल्ली। अरे गाइस ये वाला प्लान भी फेल हो गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। नहीं तो मैंने सोचा कि इसको जीतने दूंगा, पीछे रहूंगा, ज्यादा बात ही नहीं करनी पड़ेगी। बट आज पता नहीं कैसे इसका दिमाग कुछ ज्यादा तेज चल रहा है। ये मालिक ओपी इन द चैट, मालिक इज हियर। थैंक यू बॉब दी अग्गू। तूने अभी भी क्या बोला? सॉरी वो मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता है, अभी अभी सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, अगर कुछ गलत बोल दिया तो मेरे को माफ कर दीजिए प्लीज। लो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, अंग्रेज बन रहा है। अच्छा ठीक है ना, अब क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ, गलती से निकल गया मुँह से। अच्छा ठीक है कोई नहीं, आई अंडरस्टैंड, मैं भी तो तेरे को हर बार बंदर करके बुलाता हूँ, लेकिन अब से तो मेरे को बॉब दी ग्रेट बुलाएगा। क्या बॉब दी ग्रे, इससे अच्छा बॉब दी येलो नहीं है, येलो तेरा फेवरेट कलर है ना।
ये चीटिंग कर रहा है चॉप। मैं क्या बोलूं? मैं जानता हूँ जो मैंने बोला है तूने वो सुना है। हाँ मेरे कान से ही काम करते है, तेरे नहीं करते क्या? डॉक्टर का नंबर दूं? चॉप एक नया रूल बना सकती है। वो क्या है? तू अगर न्यूक्लियर मेरे को बॉब द ग्रेट नहीं बोलेगा नेक्स्ट रेस में भी मेरी तारीफ करनी पड़ेगी उसे। बॉब द ग्रेट सर आप दूर से पहचाना नहीं, माफ कर दीजिए, लगता है कि मैं अंधा हो रहा हूँ और हवा में भी उड़ रहा हूँ। जब मेरी फैंस मेरे को देखती है ये तो ऐसे होता रहता है। अच्छा तो अब मैं इसका फैन भी हूँ, क्या करेगा इस आज के दिन सहना पड़ेगा। ऑटोग्राफ चाहिए तो शर्माओ मत, मैं तो बोलते फोटोग्राफ भी ले लो। मर भी नहीं पा रहा, एक इंच से बचाओ। ऑटोग्राफ रहने दीजिए, मेरे पेन में इंक खत्म हो गया है। डोंट वरी, मेरे भी दो दो पेन है, एक तेरे को गिफ्ट कर दूंगा। अरे वाह आपका दिल तो बहुत बड़ा है, काश दिमाग भी होता। बट एक और प्रॉब्लम है, मेरे पे एक ही पेपर था और वो भी चूहे ने खा लिया। चिंता मत करो मेरे पे कॉपी है, प्रिंट पेज निकाल लूंगा, चार बार ऑटोग्राफ ले लियो। अरे वाह मैं कितना लकी हूँ, मेरे को बॉब सर का ऑटोग्राफ चार बार मिल रहा है, चार बार। गुस्सा हो रहा है? नहीं नहीं आप पे नहीं हो रहा था, ऑब्स्टिकल हट ही नहीं रहा था, अब क्लियर हो गया। ओ ऐसे ही बात है क्या? डोंट वरी मेरे को देख लिया कर, समझ में आ जाएगा कैसे क्लियर करती है। ब्रेक नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है? ए, प्लेयर बाहर आ गया, व्हाट? अपने आप गन चला दिया। चिंता मत करो हम नीचे नहीं गिरे। क्या मेरा मतलब नाइस, अच्छी बात है। गाइस कि मेरा प्लान भी फेल हो गया गाइस, नीचे गिराना था एक बार। बंदर आराम से जा वहाँ पर। रोल दिस स्टंट मारती, लेट्स गो। ए वड़ा पाव 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 वड़ा पाव वड़ा 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 पाव पाव। कितना घटिया, मेरा मतलब कितना अच्छा गाना है। थैंक यू, वड़ा पाव 2.0 है। एक काम कर रहा हूं, गोली चला रहा है। गलती से चल रहा था यार, फैन को उड़ा दिया आपने। ओ मेरे से भी गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है भाई, चलो अब एकदम मस्त जाएंगे फुल स्पीड। ये सही में कीबोर्ड खराब हो गया गाइस। वो क्या था गाइस, सही में अचानक से गाड़ी मुड़ गई। झूठ बोलते बोलते ये झूठ सच बन गया, ऐसा भी होता है क्या? आउच, थोड़ा लेट उतरता बेवकूफ प्लेयर। मालिक तू आपको कुछ हुआ तो नहीं? तू क्यों आ गया, गिरा रहा है? सच बोल रहा हूँ गलती से हो रहा है, लात भी पड़ गई गलती से। ओ ऐसा है, मेरे से भी गलती से हो गया, सॉरी। ओके चलो तो ये मेरा चेक पॉइंट, अब बारी है नेक्स्ट ऑब्स्टिकल की। आइए, थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा ही मुश्किल है ना, ट्राई करते रहे ब्रो, हो जाएगा। वैसे टाइम पे फैंस बॉब द ग्रेट गो और बॉब द ग्रेट गो करके बोलते हैं। क्या बात है, फैंस भी बोलते हैं कि निकल यहाँ से। मेरा मतलब हिप हिप हुरे बॉब द ग्रेट करके बोलते हैं। अच्छा ऐसा है क्या, हिप हिप हुरे बॉब द ग्रेट। वो अपनी आवाज में बोलो ना। अच्छा ठीक है, गिरा क्यों रहा है? हिप हिप हुरे बॉब द ग्रेट, हिप हिप हुरे। नहीं काम कर रहा, तू सही से चीयर नहीं कर रहा। मैं तो ऐसे चीयर करता हूँ। ठीक है चॉप नया रूल एक्टिवेट करती है। हिप हिप हुरे बॉब द ग्रेट, ये हिप हिप हुरे। नो ये क्या हो गया, क्या उल्टा ट्रिप मारा गाइस, कितना कूल लगता, नीचे गिर गया यार। कोई नहीं होता रहता है, तू जानता नहीं है वो कितना कूल लगता, रहने दे तू नहीं समझेगा वैसे भी। क्या तू ये कहना चाहता है कि जो तू करता है वो मैं नहीं कर सकता? ऐसे मैं कहाँ बोल रहा हूँ ब्रो, जो भी मैं कर सकता हूँ वो तो तू आग बंद करके कर सकता है ना। तो मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, बट हाँ आई एम बॉब द ग्रेट। अच्छा ऐसा है क्या, मेरे पे हंस रहा है, मेरे को बुली कर रहा है। ऐसा थोड़ी था, रो रहा था मैं। ठीक है कंटिन्यू। मेरा दिन ऑलरेडी खराब है, अब ये कैसे ऑब्स्टिकल डाल दिए इन लोगों ने। हार मत मानो, तुम फ्रो भूल गए क्या? ना हाँ फ्रो से याद आया, कुछ भी करवा ले, फ्रो वाले टाइटल के साथ कुछ करेगा ना। गया तू, ठीक है सही टाइम पे बोल दे इसने। मैं बोल रहा था आज से तू फ्रो बॉब की तारीफ करने वाला भी बन गया। अरे सिर्फ आज के लिए टेम्परेरी टाइटल है, कोई नहीं एक दिन के लिए मैं खुश रहूंगा। बहुत चालू बन रहा है, वो तो मैं बचपन से था। ऑलराइट तो गाइस 10-15 बार नीचे गिरने के बाद आई थिंक मेरे को समझ में आ गया कि ये कैसे करती है। जल्दी आइए वेट कर रही है। अब बॉब द ग्रेट कुछ ज्यादा ही ग्रेट है ना, तो चॉप की मदद ले ली, बट मैं तो नॉर्मल सा प्राणी हूँ, मेरे को खुद ही ट्राई करना पड़ता है। कोई नहीं ये तू चॉप से पूछ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। एज अ फ्रो मैं खुद आंसर ढूंढता हूँ, ट्राई करता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए किसी की मदद। देखो गाइस सिंपल ही तो है, ऐसी गाड़ी को उठाने गए और ये स्लो डाउन आएगा तब आप ऐसे साइड चले जाओगे। क्या है ये, दिमाग खराब हो रहा है? ये कैसे हो सकता है, ये तेरे पे तो दिमाग नहीं है। वही तो प्रॉब्लम है, मैं भूल ही गया था कि मेरे पे दिमाग नहीं है। इस बार तो होना ही चाहिए गाइस, एकदम प्रॉपर स्पीड है और ऐसे उठाने का, लेट्स गो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस मेरे नंबर वन फैन ने ये कंप्लीट कर दिया। फैन ठीक है, नंबर वन फैन क्यों बना रहा है? और गाइस यही मौका है जल्दी आगे निकलते, यार ये शूट कर रहे और नीचे क्यों गिर गया? कहाँ जा रहे हो? अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग रेस कर रहे तो आगे जा रहा था, माफ कर दीजिए। डोंट वरी मैं तो अपने सारे फैंस को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा तभी आपका नाम बॉब द ग्रेट है, सही में गाइस कितना ग्रेट,
ग्रेट है ये। ग्रेविटी दीदी की वजह से हुआ है, नहीं तो मैं अपने फैंस को धक्का नहीं देता। ठीक है, पहली बार कुछ सही बोला। एक्चुअली में ग्रेविटी दीदी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर बच के रहना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर तो ब्रेक की बहुत जरूरत है। आज दम लगा के आयशा बॉ, मैं हूँ भैसा। तूने बॉ करके कुछ बोला? हाँ? बॉ बोलने वाला था क्या? नो नहीं नाकुला, गलती से सुन लिया होगा तूने। फिर तो मैंने मिस कर दिया उसको। एक और बार डायलॉग बोलियो। दम लगा के आयशा मैं हूँ भैसा। मैंने मिस कर दिया वापस से। अच्छा ठीक है, रो मत। दम लगा के आयशा मैं हूँ भैसा। ये बहुत बढ़िया डायलॉग है, ये तेरे को हर एक रेस में यही बोलना चाहिए। इस रेस की बात तो कभी भी नहीं बोलूंगा। पर गाइस ये देखो, जैसे कि वो बोलती है, अगर आप भाग के जा सकते हो तो भाग के चले जाओ। अब इतनी मेहनत कौन करेगा? वैसे भी जो गाड़ी हम लोग को दे रखी है बहुत बेकार हैंडलिंग है उसकी, मूर्ति नहीं है। ये क्या था? माउस ग्लिच। आज ही नया माउस मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। मेरा भी ग्लिच हो गया है। नहीं बच गया गाइस, बहुत ज्यादा क्लोज था। ओह नो, वापस ग्लिच करने वाला है। आपको कैसे पता चल रहा है कि ग्लिच होने वाला है? तभी तो मेरे को बॉडी ग्रेट बोलते हैं। ओह नो, माय गॉड, जिला के पापा जी, बहुत क्लोज था गाइस, नहीं तो मेरा सर वाटरमेलन की तरह ब्लास्ट हो जाता। सैड, नहीं हो पाया। क्या करे दोस्त, जैसे हम लोग लाइफ प्लान करते हैं वैसे हमेशा नहीं जाता। बट मेरे लिए जैसे मैंने प्लान करा वैसे हुआ, मेरे को तो चेक पॉइंट मिल रहा है। मैं गाड़ी से ट्राई करूंगा, देखना हो जाएगा। देखा गाइस, इवन दो इजी ऑब्स्टिकल है, बहुत टेंशन वाला है। तभी मैं आराम से बककर आ गया। लाइफ में टेंशन मत लिया करो। मेरे को भी एग्जाम्स के टाइम बहुत टेंशन होती है, तो इस बार छुट्टी ले लूंगा उस दिन। वो टेंशन तो लेना पड़ेगा यार। और वैसे भी तुम्हें अभी लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टेंशन है, बट डोंट वरी, थोड़े टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी बॉब, आप तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, स्कूल नहीं जाओगे तो और भी ज्यादा स्मार्ट बन जाओगे। कहना क्या जाती हो? बॉब समझ जाओ। तो अभी उड़ाते रॉकेट लॉन्चर चीज को। मेरे को उड़ाना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। और देखो गाइस क्या पहिए इस गाड़ी के, डैम काश ऐसी इसका हैंडलिंग भी ठीक होता, यहाँ पर मैं कैसे जाऊंगा। सही है, वैसे ही अटकर है, मैं भगते भगते आ रहा हूँ। सर जब तक आप यहाँ पर आओगे मैं नहीं दिखूंगा आपको यहाँ पर। बस ये वाला ऑब्स्टिकल कम्प्लीट हो जाए, नीचे मत गिर। कम ऑन, वी कैन डू दिस। स्लो बोलते, चेरी बोलते, इजी पीजी वाटरमेलन स्क्वी। ओके, यहाँ दिक्कत हो सकती है थोड़ी। दम लगा गया आयशा बॉब। मैं हूँ भैसा। वेरी गुड, यस आप हो। क्या करे गाइस, आज के दिन ही बोलना पड़ रहा हो। नहीं क्या था भाई, जो भी था बढ़िया था। और अच्छा हुआ यहाँ पर गैप नहीं है। ब्रो बोल दिस, स्टंट मारते और चेक पॉइंट भी लेते, और इसी बात पे हम लोग भाई कमाल का स्टंट। अबे यार गलती से दब गया, मैं गिफ्ट भेजने वाला था, पहले गिर गया। आप रहने दीजिए, आप हमसे बात कर रहे हो वही हमारे लिए गिफ्ट है। ये क्या चमक रहा है, ग्लिच हो गया क्या? रॉकेट लॉन्चर था। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैं भी तेरे को एक बहुत अच्छा गिफ्ट देता, बट आज के दिन ना वो गिफ्ट नहीं दे सकते, तो कोई और गिफ्ट देता। रुको, ए बर्गर पार्टी क्या? वो सब छोड़ी, मैप वाला काले जा रहा है क्या था ये? मेरे को राइट मुड़ना था गाइस, वो स्पीड बूस्ट देख के मैं ओके सही सही आ गया। क्या बात है, डोंट वरी मेरे फैन, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जी, आप पे मेरे को पूरा भरोसा है, आप जरूर कंप्लीट करोगे, आप फेल ही नहीं कर सकते। आखिर आप हो कौन? बॉब दी ग्रेट। अरे बॉब के सामने कोई बोल सकता है क्या? ए बॉब दी ग्रेट, सामने चेक पॉइंट है। गाइस इस वाले रेस में मैं बॉब को कुछ नहीं बोल सकता था, बॉब की तारीफ करनी पड़ी मेरे को, बट ये नहीं बोला था कि मैं नहीं जीत सकता। अरे वो सब छोड़ो, अब तुम्हें से डीएनएफ दिला सकता हूँ, आइए। डॉक्टर स्ट्रेंज कब आया? बॉब दी ग्रेट सर, अभी आप उसकी टेंशन मत लीजिए, कम ऑन जल्दी से कर दिखाइए। टाइमर चालू हो गया। किस चीज का? आप उसकी टेंशन मत लीजिए सर, मेरे को पता है आप टाइमर से पहले खत्म कर दोगे। लेकिन तब भी एक बार बताने में क्या जा रहा है, अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको डीएनएफ मिल जाएगा। नो, ऐसे दिन मेरे को डीएनएफ नहीं चाहिए, लेट्स गो गाइस। बॉब पैनिक मत करो, हम पे बहुत टाइम है। नहीं, सिर्फ 11 सेकंड है, 10 9 8। ओह नो सर, ये आपने क्या कर दिया? डोंट वरी, आप अब भी कर सकते हो, बॉब दी ग्रेट हो ना। अब तो नहीं आएगा, कोई नहीं, आज मैंने बहुत एंजॉय करा। पहले मेरे को मजा नहीं आ रहा था, बट फिर गाइस बॉब दी हग्गू को डीएनएफ दिलवाने के बाद मजे ही मजे। क्या बोला? सुनाई नहीं दे रहा है हग्गू, रेस खत्म हो गया है, अब मैं तेरी तारीफ नहीं करने वाला, निकल यहाँ से।